ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। एक कोटेशन से लिखिए, गिरने पर भी हर बार उठ जाना, गिरने पर भी हर बार उठ जाना, और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है, और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना, हर बार उठ जाना। और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है, दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए। अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत समझदार हो गए। लिखिए, वन लाइनर न्यूज हम कुछ कवर कर रहे हैं। पहली न्यूज डाली, ग्रामीण गरीब परिवार की आजीविका में, ग्रामीण गरीब परिवार की आजीविका में सुधार करने के लिए, सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने, किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क, 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है, विकसित करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़, आंसर लिखेंगे छत्तीसगढ़। लिखिए, एशिया के सबसे नियोक्ता, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022, एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया? जी, नियुक्त सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार, ये लिखा है नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है, से किस कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो NTPC को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड कहते हैं इसे, NTPC, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड तीसरी न्यूज लिखेंगे, थर्ड है। केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए,
कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण को कहां से शुभारंभ किया है तो आंसर लिखेंगे रांची झारखंड से अच्छा, अभी लास्ट में जिन लोगों का छूटा है हम रिपीट कर देंगे सबसे लास्ट में। अभी क्रम से चलने दीजिए, इससे किसी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो दो न्यूज के हैं, वन लाइनर ही हैं और हम लास्ट में कवर कर देंगे। यहाँ से आप कवर करना शुरू करिए। नेक्स्ट फोर्थ न्यूज लिखेंगे, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस नागरिक दिवस 2022 कब मनाया जाता है? 2022 जी हाँ 21 अगस्त है आंसर सही। वर्ल्ड सीनियर सिटीजंस डे है जो वो 21 अगस्त को या 21 अगस्त को, 21 अगस्त इसका आंसर। फोर्थ लिखेंगे या फिफ्थ है शायद, भारत की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के फिर से एमडी और सीईओ कि फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर है विजय शेखर शर्मा। अगली लिखेंगे, पेटीएम अपने यहाँ ही चलाई जा रही है, ठीक है। हाँ हमें तो जहाँ तक जानकारी है ओरिजिन इंडिया ही है, क्योंकि पेटीएम सेवेंथ बड़ा लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट तो ऐसे हर कंपनी में है, वो नहीं आप देखेंगे, सेवेंथ बड़ा लार्जेस्ट जो है वो प्लेटफार्म है दुनिया का और पेटीएम है ये, ठीक है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, एक बार गूगल कर लेना अगर पोजीशन चेंज हुई हो, जब मैंने पढ़ा था तब जी। डिजिटल पेमेंट कंपनी उसका नाम है पेटीएम, कोई फिर से एमडी या सीईओ बने हैं विजय शेखर शर्मा। अगला लिखें, विकलांग और आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, शुरू की है? तो इसका आंसर है असम, इसका जिक्र पहले भी किया है मैंने, असम।
विद्या रत्न स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम है। किससे रिलेटेड है? तो विकलांग और अक्षम बच्चे जो स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते, और असम राज्य की है। दो ही बातें याद रखनी। नेक्स्ट, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव राजेश वर्मा हैं। राजेश वर्मा नेक्स्ट नंबर आप लोग डालते जाएगा, नंबर क्रम भूल गए। आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने की है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। स्थान पूछा जाता है और किसने अध्यक्षता की, यही दो बातें पूछी जाती हैं। अगला लिखिए, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? पुरुषोत्तम रूपाला नाम है। ये इस समय केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। लिख देना ब्रैकेट में, केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री। अगला लिखना, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? हेलीफैक्स, ये कनाडा में पड़ता है, हेलीफैक्स। अगला लिखें, किस राज्य सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र।
लिखिए भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, आपको पता ही हो। लिखिए किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? फहमीदा अजीम, ये बांग्लादेश की हैं। फहमीदा अजीम बांग्लादेश की हैं, पुलित्जर पुरस्कार 2022 मिला। फिर लिखिए विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया? तो 24 अगस्त, 24 अगस्त। फिर लिखिए किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है, जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि विकसित की है IIT गुवाहाटी, IIT गुवाहाटी। लिखिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान, भारत का पहला वन स्टॉप समाधान समाधान पोर्टल, इसका नाम रखा गया ऑल थिंग्स ईबी, ऑल थिंग्स ईबी। किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है इसका नाम है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, मुंबई में है ये,
अगला लिखेंगे संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ताशकंद में, ताशकंद उज्बेकिस्तान में पड़ता। फिर लिखिए केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इक्कीस अगस्त 2022 को 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की साठवीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? इक्कीस अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो पराग्वे में, पराग्वे। किस कंटिनेंट का देश है ये? किस महाद्वीप में पड़ता है? अच्छा है। आगे लिखे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिरीक्षक कौन बने? प्रवीण छावड़ा, लेकिन अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? एक गढ़वाल है उत्तराखंड का, वहाँ पर कहाँ स्थापित की जाएगी? तो गढ़वाल उत्तराखंड। लिखिए विश्व जल सप्ताह 2022
2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? कब से कब तक मनाया जाएगा? 23 अगस्त से 1 सितंबर। लिखिए किस स्पेस एजेंसी ने फिर पूछिए क्या पूछ रहे हैं। मैंने ये बोला है कि विश्व जल सप्ताह जो वाटर वीक है वर्ल्ड का वो कब से कब तक है, तो 23 अगस्त से 1 सितंबर तक है। अगली न्यूज लिखिए किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला आर्टेमिस कार्यक्रम शुरू किया है ये मैंने पढ़ाया था, रिपीट हो रहा है। नासा अमेरिका। लिखिए शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है तो यूपी उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखेंगे जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जापान रहा है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप लोग ऐसी उम्मीद करते हैं उनके आंसर देंगे, बहुत पढ़ाए हैं मैंने। एक पढ़ाया था नमस्ते योजना किस किस मंत्रालय ने शुरू की है? हाँ बोलिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। एक मैंने शायद पढ़ाया था आपको महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था ये? अच्छा देख देख के तो नहीं बता रहे हो, अच्छा ठीक है। एक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहली महिला पहलवान कौन थी?
हाँ अंतिम पंगल। अच्छा पेज खोल के मत बताना नहीं तो पाप पड़ेगा। ठीक है सबके लिए है, आपके लिए नहीं कह रहे। एक पढ़ाया होगा मैंने शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, किसी का नाम बदल कर किया गया, किस एयरपोर्ट का किया गया? अच्छा चलिए कौन बोल रहा है तो उसे बयान सुन लिया करेंगे हम फ़ोन करके। अकस्मात कविता बोल रही है क्या? अच्छा ठीक। खेती में ब्लॉकचेन तकनीकी पेश करने वाला पहला राज्य कौन? अच्छा झारखंड है, सही है। एक पढ़ाया होगा मैंने हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली बस, पहली बस हाइड्रोजन ईंधन सेल से कहाँ चलाई गई? हाँ महाराष्ट्र या पुणे, सही है। मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, कहाँ का है मिथिला मखाना? सही। पहली नाइट सफारी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? अच्छा सिल्क मार्क एक्सपो कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक। उल्ची फ्रीडम शील्ड कहाँ हुआ है? उल्ची फ्रीडम शील्ड किसके किसके बीच सैन्य अभ्यास हुआ है? यूएसए फ्रांस नहीं है, यूएसए दक्षिण कोरिया। हाँ अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की शहरों में वायु गुणवत्ता, इसमें सबसे खराब या सबसे प्रदूषित शहर कौन हुआ है? सही है। 75वीं वर्षगांठ राजनयिक संबंधों की किसने मनाई है भारत के साथ? हाँ इजिप्ट या मिस्र। ठीक। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे मिला है? क्या है ना बुक का नाम? हाँ प्रमेय, उसका नाम क्या है जिसने लिखी है? भगवंत करके है शायद, भगवंत, हाँ जैसे करके है, मुझे पूरा नाम नहीं, अनमोली था शायद उसका। अच्छा गरबा नृत्य कहाँ का था और क्यों न्यूज में है? हाँ ये ठीक है। 11वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस कहाँ स्थापित की गई या कहाँ आयोजित की गई? 11वीं राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? ग्वालियर में आयोजित की गई। ठीक है। और NDTV को किसने खरीद लिया है? हाँ अडानी ग्रुप ने खरीद लिया। ठीक चलिए कुछ कुछ याद रहता है, अगर देखकर बता रहे होगे तो सही बता रहे हैं, बहुत घाटे में जाओगे। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी .. समझ रहे हो आप लोग, इसलिए याद करके सुनाना है, देखकर नकल मार के नहीं। साइंस टेक की कुछ न्यूज हैं उन्हें आप हेडिंग बना लीजिए तो हम आपको करा दें। जैसे पहली एक न्यूज आप लोगों ने काफी सुना होगा, मनुष्य को सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया, तो पहली न्यूज लिखिए मनुष्य को सुअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया। तो पूछा जाएगा कि कहाँ ऐसा हुआ, तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिसिन, इसके चिकित्सकों ने किया था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिसिन, अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड मेडिसिन, मैं लिख रहा हूँ यहाँ आप देख लीजिए, मेरीलैंड
मेडिसिन। ठीक है, और मैं जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हार्ट वाल्व जो था वो स्थापित किया जा चुका था, लेकिन पूरा दिल ट्रांसप्लांट नहीं किया गया था। ठीक है, तो देखिए घबराने की बात नहीं है, जैसे आपका दिल टूट टूट जाए अगर आप, तो सुअर का दिल मिल सकता है ना। तो हाँ अब सही, सक्सेस हुआ था, काफ़ी दिन तक व्यक्ति वो जीवित भी रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद फाइनली मतलब उसकी डेथ हो गई है इस समय, हालांकि हाँ ऐसे कुछ पीरियड था, अब पीरियड तो मुझे याद नहीं है कितना, लेकिन उस समय काफ़ी न्यूज में था। एक देखिए, वैसे आपने सुना होगा कि कोई मेडिसिन वगैरह ले कोई प्लेयर तो उसे निकाल दिया जाता है गेम से, फिर भी एक लिखेंगे हेडिंग बना लो, डोपिंग और ट्राई मेटाजिडाइन, डोपिंग और ट्राई मेटाजिडाइन। ये ट्राइमेटाजिडाइन एक मेडिसिन है जिसे रूस की एक खिलाड़ी लेती थी जिसका नाम है कामिला वलीवा, यहाँ लिख रहे हैं हम कामिला वलीवा, उसके बावजूद इसे ओलंपिक में खेलने की अनुमति दी गई। ठीक है, क्या मामला है वो उस पर नहीं हम लोग जाते, केवल इतना लिख लीजिए। अब लिखिए फिगर स्केटिंग की रूसी, फिगर स्केटिंग की रूसी खिलाड़ी कामिला वलीवा को डोप परीक्षण में विफल रहने के बावजूद ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति दी गई है। इसमें एक एजेंसी के बारे में पढ़ लीजिए, अक्सर पूछ लेते हैं, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बोलते हैं इसे, बाडा के नाम से सुना होगा। इसकी स्थापना 1999 में हुई है, 1999 में। देखिए एक स्वतंत्र डोपिंग रोधी वैश्विक एजेंसी है। जिसका उद्देश्य शिक्षा वैज्ञानिक अनुसंधान डोपिंग रोधी क्षमताओं के विकास और विश्व डोपिंग रोधी संहिताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना। एक राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी लिख लीजिए, भारत की जो है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अगली न्यूज लिखिए, दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन। जी
से, हमें तो लग रहा है हम बहुत धीरे बोल रहे हैं, फिर भी बोल देंगे और धीरे। मलेरिया वैक्सीन, वैक्सीन पहली मलेरिया वैक्सीन, लिखिए आरटीएस यस ऑब्लिक ए यस 01, ये है पूरा नाम आरटीएस डैश यस ऑब्लिक ए यस 01। तो सबसे ज़्यादा मौत अफ्रीका में होती है मलेरिया से, और फिर उसके बाद भारत में होती हैं, ठीक है। अगर आप आंकड़े वगैरह देखेंगे तो एक न्यूज में था मैसेंजर या एमआरएनए मैसेंजर आरएनए टीका, इसमें लिखिए जिनोवा बायोफार्मा, जिनोवा बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पुणे द्वारा HgCO19 नामक स्वदेशी mRNA टीका विकसित किया गया, mRNA का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि प्रोटीन से निर्मित हो जाएगा यह टीका, और तो इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोविड का कुछ नुकसान पड़ते हैं कि उसके हैं, तो ये नाम याद रखना टेक्निकल HgCO19, और किसने निर्मित किया है तो ये संस्था पुणे की है, जिनोवा बायोफार्मा फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पुणे। अगली न्यूज लिखिए भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस, भारतीय मानव मस्तिष्क एटलस, एटलस 100 ये पहला एटलस है जो मस्तिष्क का एटलस बनाया जा रहा है। इसमें किस एज ग्रुप के लोग लिए जाएंगे तो 21 से 30 वर्ष के। और दोनों का मस्तिष्क लिया गया है, महिलाओं का भी और पुरुषों का भी। कौन सी संस्था ने वो किया है तो हैदराबाद में एक संस्था है, एक ना हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी। देखिए इसी के आधार पर हमने बताया था कि मस्तिष्क का अध्ययन किया गया तो दो तरीके के मस्तिष्क मिले, ये इस तरीके से मस्तिष्क पुरुष का मिला है, ये शेप मिला। इसलिए ये बताया गया कि पुरुष एक समय पर एक विषय पर केंद्रित रहेगा, जिस विषय पर बात कर रहा होगा उसी पर रहेगा। महिला का मस्तिष्क ये मिला है, ये
तीन साल पहले का भी अगर आपने कुछ किया होगा गड़बड़ तो वो भी रिकॉल हो जाएगा। तो समझ में आई यहाँ तक? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। डिफेंस टेक्नोलॉजी की कल बातें बताएंगे, इसमें थोड़ी थोड़ी साइंस की न्यूज लेते रहेंगे। आज न्यूज में इतना ही हम लोग रखते हैं। अच्छा, मैंने जो होमवर्क दिया था वो किया था आप लोगों ने? एक मैंने वो भेजा था, यही सच है। कितने लोगों ने पढ़ा है? अच्छा, दो लोगों ने पढ़ा है, और कोई? बहादुर जिसने सामना कर पाया हो उस कहानी का। चलिए अच्छी बात है। कुछ लोग होते वो जीवन में कुछ खत्म नहीं करते। हाँ ठीक ठीक। अच्छा, न्यूज स्टार्टिंग की जो छूट गई वो जानना चाहते? स्टार्टिंग की न्यूज कहाँ गई है? लिखिए पहला, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविकाओं में सुधार करने के लिए किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क ये स्टार्ट किया है? छत्तीसगढ़ में। विकसित करने की घोषणा की है तो छत्तीसगढ़ ने की 300 ग्रामीण आजीविका पार्क। एक और शायद छूटी थी, वो भी लिख लेना। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 में किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया? तो NTPC को सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड या नेशनल टेम्परेचर पावर लिमिटेड करके बोलते हैं। ठीक है, चलिए कहानी के लिए टाइम देते हैं एक दिन और, आप लोग उसे पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा कि आपने क्या सीखा उससे। और कोई डाउट किसी को? हैनले ये होता है कि कौन कौन देशों में हम लोगों को वीज़ा मिल सकता है, कितने देश ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा प्राप्त करने के लिए आने जाने के लिए बहुत सिंपल सरकमटेंसेस सिंपल सा होता है, या हम कहें कि वीज़ा की आवश्यकता ही लगभग नहीं पड़ती, तो उन देशों के साथ, जैसे जिस देश पर ज़्यादा भरोसा करेंगे उस देश में ऐसा हो जाता है। जैसे जापान पर जनरली ज़्यादा भरोसा करते हैं लोग, तो जापान का हमेशा हैनले पासपोर्ट इंडेक्स ज़्यादा हाई रहता है। हमारे देश पर थोड़ा कम करते हैं तो हमारे देश का थोड़ा लो हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप एक मोहल्ला है, मोहल्ला में आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कई लोगों के घर आते जाते हैं और वो विश्वसनीय रहते हैं, उन पर लोग संदेह नहीं करते। कुछ लोगों की छवि इतनी ख़राब होती है कि वो किसी के घर के सामने बैठे हैं तो वो इंसान थोड़ा सचेत हो जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से आपसे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अगर अच्छा है तो इसका मतलब आपको अच्छा व्यक्ति माना जा रहा है, और अगर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स अच्छा नहीं है तो आपकी छवि खराब है।
जी 87 हो गया है, घट ही रहा है लगातार। डेफिनेटली कम अच्छा है। अब ये तो गूगल कर लेना आपकी कौन कौन सी, या एडमिशन कराना तो देख लेना, देंगे वही टेक्निकल आजकल टेक्नोलॉजी वाली ही फैसिलिटी एक्स्ट्रा देंगे, बाकी तो हम लोग जो आम पढ़कर आए वही फैसिलिटी देंगे। इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी और क्या, इसके अलावा कुछ बढ़ता नहीं है। जियो यूनिवर्सिटी जिसके सबसे आदर्श यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित करने की बात की गई थी, उसमें भी टेक्नोलॉजी के अलावा कोई नया इन्वेंशन नहीं। किसी भी न्यूज़ के हर डायमेंशन को लगभग कवर करने की कोशिश करना, ब्रॉड पेपर समझा देना, उसी को व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ भारतीय पत्रकार एक हैं रवीश, एक मुद्दा लेते हैं और उस पर व्याख्यात्मक रिपोर्ट करते हैं, पूरा दिखाते हैं कि पुराना क्या था और कोई जो एक्सपर्ट हैं उसके वो क्या कहते हैं, इस तरीके से वो व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग। और एक मुर्गा लड़ाने वाली रिपोर्टिंग हमारे यहाँ होती है, आप देखते हैं ना, दो तीन चार पार्टियों के लोगों को या दो तीन चार धर्म के लोगों को बुला लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू हो जाते हैं। और देखो कोई डाउट किसी को, हाँ जी 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 नहीं, ये जो मैंने लिखाया है 20 का, उसका ध्यान से समझ लीजिए, वो केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होता है, सिविल मामलों में लागू नहीं होता है। तो ये संपत्ति का मामला, आपके दहेज शादी का मामला, अब ये सब सिविल मामले में आते हैं, ठीक है। नहीं नहीं हाँ ऐसा होता है, जैसे मैं सपोज करिए कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर सकती है संसद, पार्लियामेंट हमारे यहाँ। अब पार्लियामेंट के डिसीजन को कैंसिल कर सकता है कोर्ट, जैसे क्या समझिए ध्यान से, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं जो पढ़ा चुके वहीं से ध्यान से समझिए, उन्होंने बताया था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, इंदिरा साहनी मामले में कहा गया, और सरकार लेकर आ गई 77th अमेंडमेंट, उसने संविधान में लिख दिया कि प्रमोशन एंड रिजर्वेशन होगा, तो हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, कोर्ट के डिसीजन को नकार दिया है संसद ने कानून बनाकर, कि मतलब जनता का मत इसी में है, तो जनता के हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की अवधारणा को कोर्ट भी नहीं तोड़ेगा। अब दूसरी बात ऐसे समझिए, पार्लियामेंट ने कोई भी नियम बनाया तो कोर्ट कहेगा कि ये संविधान की मूल अवधारणा का हनन कर रहा है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो पढ़ाया था, मूल अवधारणा उसका अगर कहेगा हनन कर रहा है, तो वो इसके डिसीजन को कैंसिल कर देगा। जैसे बहुत से मामले होते हैं जिन्हें नल एंड वॉइड कोर्ट डिक्लेयर किया करता, तो इसलिए कोर्ट भी कर सकता संसद भी। इसलिए कहा जाता है, प्रश्न UPSC में पूछा भी जाता है कि हमारे यहाँ क्या न्यायपालिका संप्रभु है, या हमारे यहाँ पूछा जाता है कि संसद, तो हमारे यहाँ कोई संप्रभु नहीं है, हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल चलता है, एक दूसरे को संतुलित करते हैं, कोई संप्रभु या कोई तानाशाही नहीं है हमारे यहाँ, चेक एंड बैलेंस समझते हैं, हाँ हस्बैंड वाइफ चेक एंड बैलेंस की अनुभूति में रहते हैं हमेशा। देखिए डायरेक्ट की एक्चुअली क्या होता है कि हमारे एक आर्टिकल है 143, इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है
वो कोई भी विषय हो दुनिया का, उस पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की क्या ले सकता है, सिफारिश या सलाह ले सकता है, एडवाइस, एडवाइजरी पावर है उसके पास। तो इसकी वजह से ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, इस पर वो कर लेते हैं। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी है आर्टिकल, तो हाई कोर्ट भी एडवाइजरी ले सकता है, गवर्नर उसे पावर दी गई। तो ये जो एडवाइजरी पावर है, इस वजह से कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर पूछना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की राय क्या है, तब देखते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट मान लो सरकार के पक्ष में, सरकार जैसा सोच रही वैसा ही निर्णय दे दिया, तो कानून बनाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत ईजिली वो कानून बना देते हैं। उन्हें पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नहीं तो फिर ये लोग घबरा रहे होते। क्योंकि आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को निरस्त करता है तो सरकार की छवि खराब होती, और जो लोग पढ़ा लिखा वर्ग है वो सरकार के साथ खड़ा फिर होने में थोड़ा कटने लगता है, और जो समझ ही नहीं रहे हैं उनकी तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, जैसे बहुत से ऐसे केस रहते हैं, हम कितने एग्जांपल्स उसमें ने आपको कई मामलों में हुए हैं, सरकार को फटकार लगाई जाती है, कई मामलों में नहीं ऐसा होता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, अगर आपने सुना हो UAPA का नाम सुना हो, सरकार से कहा गया है कि UAPA आप लागू नहीं करेंगे। UAPA में हमारे यहाँ ये चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की प्रिवेंशन एक्ट है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इसमें देशद्रोह का आरोप लगा के सरकार किसी को भी गिरफ्तार कर रही थी। तो सर्वे ये आया कि जितने लोगों को वो गिरफ्तार कर रही है उसमें से अधिकतम लोग निर्दोष साबित होते हैं, वो केवल पॉलिटिकल आलोचना करते हैं सरकार की, और सरकार उन्हें उठा के जेल में डाल देती है और उन पर देशद्रोह का आरोप लगा देती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप इस पर अथेंटिक या तो कुछ कानून को इससे मजबूत करो या तो अपना इन्वेस्टिगेशन ठीक करो, जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। यानी अब इस समय का सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक दिया है कि UAPA के तहत आप किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब इसी पर सपोज करिए कि सर एडवाइस वो दे दे कोई नया कि एक ऐसा इस तरीके का बोल आइए, अब संसद इस समय चल भी नहीं रहे हो तो ये लोग अध्यादेश लेकर आ जाते हैं, अध्यादेश लेकर। नहीं तो एक हमारे यहाँ नियम ये भी है कि कोर्ट के शब्द कानून कहलाते हैं, कोर्ट जो कह देता है वो भी कानून ही होता है हमारे यहाँ। तो इस तरीके का चलता है सिस्टम। हाँ नहीं नहीं वो ये होता है, जैसे उस माल सपोज करिए कि एक इकोनॉमी का विषय था, संपत्ति का ही कोई भूमि अधिग्रहण का विषय था या कोई भी विषय था, उस पर कोई अगर पुराना हाई कोर्ट का डिसीजन रहा है और अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और ये जितने भी कोर्ट हैं तो ये इसके डिसीजन के खिलाफ डिसीजन नहीं दे सकते, इस डिसीजन को ही कानून मान कर ये डिसीजन देंगे, तो उन्हीं को डायरेक्शंस बोल देते हैं इन मामलों में जिनमें आप पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट इस बार यही बात सुप्रीम कोर्ट के सेंस में मानता है। तो ये नो सेव इट का मतलब ये होता है, नो सेव इट का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि वो कंटेंट कह देते हैं कि कुछ ऐसा उन्होंने बोल दिया। हमारे यहाँ सांसद विधायक तो बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज कर देते हैं जो रिकॉर्ड में रखे जाएंगे, तो रिकॉर्ड में फिर हम लोगों की अगली पीढ़ी आएंगे, अगले लोग आएंगे तो वो देखेंगे कि हमारे पूर्वज कितने अभद्र गतिविधियाँ करते थे। तो इस तरीके से उन्हें कहते हैं कि इसे नो रिकॉर्ड, नो सेव इट, मतलब इसे रिकॉर्ड में ना रखा जाए, इस चीज़ को ये रिकॉर्ड सेव करने वाली है ही नहीं, ऐतिहासिक नहीं। नो सेव इट भी कुछ लोग बोलते हैं, नहीं तो कह देते हैं, मतलब ऑन द रिकॉर्ड बोलते हैं तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड रहेगा, और कह दे कि रिकॉर्ड में नहीं रखा जाए, नो रिकॉर्डेड अगर ऐसे करके टर्म यूज कर देते हैं तो इसका मतलब वो रिकॉर्ड में नहीं रखा जाएगा, उसे बाद में डिलीट कर दिया जाएगा, एडिट कर दिया जाएगा, ये होता है। जैसे बहुत बार कई सांप्रदायिक टिप्पणी कर दी जाती हैं या कोई गलत डेटा दे दिया जाता है या किसी कोई मिसबिहेव कर दिया जाता है, तो उन चीज़ों को कह देते हैं कि रिकॉर्ड में ना रखा जाए, ठीक है। हाँ देखिए सुन लो, हम
हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो रखी गई है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत, मूलभूत अवधारणा के अंतर्गत। और स्वतंत्र न्यायपालिका में अब इन्होंने जब NJCA लेकर आए थे तो NJCA में इन्होंने ये प्रावधान किया था कि 3 लोगों को केंद्र सरकार चुनेगी, 3 जज रहेंगे, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, 2 सीनियर जज रहेंगे। अब 50 तो इसमें कार्यपालिका का हस्तक्षेप हो गया, जबकि आर्टिकल 51 ये कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका का हमेशा पृथक्करण रखा जाएगा, सेपरेशन रखा जाएगा एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। तो ये संविधान के मूल अवधारणा का उल्लंघन था NJAC में, इसलिए NJAC पर कोई क्वेश्चनेबल नहीं कर पाई पार्लियामेंट। ठीक है, अब जो ऐसे मामले होते हैं जो मूल अवधारणा के अंतर्गत नहीं आते हैं समाज के हित के आधार पर या उस आधार पर, तो वो कहती है कि नहीं समय की ज़रूरत है और जनता की मांग है, उन परिस्थितियों में वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा देती है। या कोई एक्ट कानून संशोधन, जैसे सपोज करिए इनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा था, जो यही वाला एग्जांपल अगर हम आपको फिर रिपीट कर दें, 77th, क्योंकि ये लो पोस्ट पर ही डी ग्रेड में ही रहते थे तो ये निर्णय नहीं ले पाते थे, या वास्तविक समस्याएं पॉलिसी के स्तर पर नहीं पहुंच पाती थी कि SC और ST के लिए पॉलिसी ठीक से बने, तो इसकी वजह से इन्हें प्रमोशन एंड रिजर्वेशन दिया गया। जब ये अपर लेवल पर पहुंचे तो इन्होंने भी बताया कि हमारे वर्ग की वास्तविक समस्याएं क्या हैं, जैसे पुरुष कितना भी विजुलाइज कर ले स्त्री की वास्तविक समस्याओं को विजुलाइज नहीं कर सकता, वहाँ पर जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो एक स्त्री ही बता सकती है उसकी। तो इसी तरीके से सेम है, जिस वर्ग की जो समस्याएं हैं उस वर्ग का कैंडिडेट अगर वहां पर पार्टिसिपेट करेगा तो वो वास्तविक ठीक ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा उन्हें, और नहीं तो फिर वो ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हो पाती। तो ये रीजंस रहते हैं। और कोई डाउट किसी को? ज्योग्राफी के लिए वैसे NCERT सबसे बेस्ट होती हैं, और बुक कोई अथेंटिक अच्छी है नहीं, बाकी नोट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो एक नोट्स हम आपको सेंड कर देंगे, मुझे बताया था उसने तो। नहीं बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी नहीं है, मैंने पढ़ी है। ठीक है, आप NCERT 9th और 1st ईयर की पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी का फिजिकल पूरा कवर हो जाएगा, फिर इंडस्ट्री और हाँ और सुन लीजिए इंडस्ट्री पढ़ने समझने के लिए और ह्यूमन ज्योग्राफी समझने के लिए आपके लिए काम आएगी 10th की बुक पूरी इंडस्ट्री और 12th की बुक समझ काम आ जाएगी। तो इसलिए 4 किताबें भी अगर आप बेसिक पढ़ लेंगी तब भी आपका काफ़ी सिलेबस, अगर आपके बेसिक्स भी कमज़ोर हैं तो फिर आपको 6th क्लास से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा 6, 7, 8 भी पढ़िए, क्योंकि 6th क्लास में भी फिजिकल ज्योग्राफी जो 6th क्लास में मिलेगा वो इसी का ब्रॉड रूप आपको 9th क्लास में मिलेगा, उसी का ब्रॉड रूप आपको 1st ईयर में मिलेगा। ये 3 हो गई किताब ये फिजिकल ज्योग्राफी कवर करती हैं। फिर अगर आप 7th में चले जाएंगे तो इसमें सेटलमेंट वगैरह या ह्यूमन ज्योग्राफी पर आ जाते हैं लोग। 8th क्लास में चले जाएंगे तो इसमें ये फैक्ट्री कैसे स्टेबल करते हैं, कहाँ पर कौन फैक्ट्री लगाना सही है, या हम कहें इंडस्ट्री इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं ये लोग। फिर इसी तरीके से इन्हीं का एडवांसमेंट आपको इसका 8th वाले का 10th में मिल जाता है, और 7th और 8th दोनों, क्योंकि इसमें 7th में इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया। तो जब आप 12th पढ़ते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा 8th का भी एडवांसमेंट मिल जाएगा और 10th का भी मिल जाएगा, 7th का भी मिल जाएगा। तो ये रहता है इनमें, और 2 ही मेन विषय उसके हैं, या 3 रूप में, एक फिजिकल ज्योग्राफी के रूप में हम कन्वर्ट कर दें, और दूसरा अगर हम देखें तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा कुछ है नहीं इन NCERTs में। तो हर क्लास की अपनी अपनी वो है, और मैं NCERT इसलिए कह रहा हूँ आपको समझ बन जाएगी, बाकी फिर आप जब उन्हें पढ़ोगे उसके बाद कहीं के भी क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने लगोगे तब भी आपके सब क्वेश्चंस निकलेंगे। तो NCERT पहले अगर आपको जो आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो 9th और 1st ईयर पढ़िएगा 9th के बाद, या 6th के बाद 9th उसके बाद 1st ईयर, ये 3 बुकें पढ़ना, ये एक सेम सब्जेक्ट को एडवांसमेंट करती चले जाएंगे। 6th में सिंपल बातें, वही उनका एडवांसमेंट 9th में मिलेगा, उनका एडवांसमेंट आपको 11th में मिलेगा। ठीक है जी, हाँ आप बोलिए। अच्छा, मैं आपको एक नोट सेंड करवा दूंगा, ठीक है, उस नोट्स को पढ़ लेना, तो उसमें दक्षिण भारत भी अच्छे समझ आ जाएगा आपको।
और किसी का कोई क्वेश्चन? क्या लिखना है? दो चार अच्छा शायरी लिखना है तुम लोगों, लिखो एक कम लिखा दें आपको। जिक्र जब कयामत का होता है, जिक्र जब कयामत का होता है, इनके तब इनके जलवों की बात होती है, तब इनके जलवों की बात होती है। ये जो चाहें तो दिन निकलता है, ये जब चाहें तो दिन निकलता है, इसे लिख लो, ये जब चाहें तो दिन निकलता है और ये जब चाहें तो रात होती है। किसी की तारीफ अगर करना हो गुमराह करने के लिए आप यूज कर सकते हैं लाइनें, ठीक है? किसी को ज़्यादा बढ़ाना है आपको, या सच में कोई बेहतर पर्सनालिटी मिलती है तो वहाँ आप बोल सकते हैं। लिख ली सभी ने? समझ में आई कि नहीं? मैं लग रहा विनीत को इस शायरी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है। हम विनीत आपको लिख कर ही भेज देंगे एक दिन, आए सब इकट्ठी। अच्छा नहीं, कंटेंट दे देंगे उसमें से थोड़ा थोड़ा, मज़ा लेके पढ़ते रहना आप। नहीं बस वही तो दिक्कत है, आपको पता है यहाँ सब शरीफ बने रहना चाहते हैं, हम ही तुम बदनाम हो सब, आप पूछते हैं और हम सुनाते हैं, है ना? अच्छा अच्छा लिखो एक और लिखाएं आपको, ये दर्द भरी शायरी है क्योंकि कुछ लोग स्टेटस बनाए, क्योंकि आजकल दर्द दुनिया में ज़्यादा है। जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, क्या फ़ायदे को रोइए उतनी लागत नहीं मिली, क्या फ़ायदे को रोइए उतनी लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली, हमको शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली। एक हमारा काफ़ी मतलब क्या बताएं, एक लिख लो, हम स्टार्टिंग से सुना ही सकते हैं या जो छूटा वो लिखो, क्योंकि हमें ऐसे पता नहीं आपका क्या कौन सेकंड लाइन कौन सी पड़ेगी। जितनी भी की थी उतनी मोहब्बत नहीं मिली, क्या फ़ायदे को रोइए उतनी लागत नहीं मिली। कातिल हमारे कत्ल से मशहूर हो गया, हमको शहीद होकर भी शोहरत नहीं मिली। दो बहुत हैं। अरे एक और लाइन लिखवाने जा रहे थे, काफ़ी गहरी लाइन है, लिखी लो तुम। अब एक हमारे मन की भी हमें याद आ रही है काफ़ी, लिखो। अब उसको याद करके रो रहे हैं, अब उसको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था। ये सब तुम लोग स्टेटस बनाया करो और बिगड़े होने की लिस्ट में अपना नाम लिखाओ, तब हमारे साथ सामंजस्य बैठा पाओगे तुम लोग, ठीक है? अच्छा हाँ तब ठीक है।
हाँ तो अच्छी बात है, क्योंकि क्रिएटिविटी की एक खासियत है, उत्पाती लोग ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि जो रिस्क ले सकता है वो क्रिएट कर सकता है, जो ज़्यादा शरीफ लोग होते हैं वो क्रिएटिविटी नहीं कर पाते। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल सुबह, ठीक है, टेस्ट के साथ। आपका टेस्ट होगा पार्ट वन, पार्ट टू और मौलिक अधिकार के क्वेश्चन होगा, ठीक है। अच्छा सेम टाइम ही रखते हैं, अगर ज़्यादा सोने का हमारा मन करेगा तो हम दो तीन बजे मैसेज कर देंगे, रात में उठ के देख कर फिर सो जाना तुम लोग करके, ठीक है। हाँ यही करके उसके बाद फिर सो जाना, संडे को ही केवल टाइम चेंज करने की पॉसिबिलिटी। अब ये सब ना जानो आप लोग, ये सब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में नींद खो जाना सबसे बुरी बात होती है।